राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार नागपुर शहर व जिला द्वारा कपास को उचित दाम देने की मांग को लेकर आज संविधान चौक ठिया आंदोलन किया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट द्वारा किसानों को न्याय मिले, उनकी फसल को उचित दाम दिया जाए और कपास को 14,000 रूपए दाम दिया जाए, ऐसी मांग को लेकर आज सलील देशमुख की उपस्थिति में संविधान चौक पर ठिया आंदोलन किया गया। कि जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तभी किसान के कपास के भाव क्या थे, और आज आप भाव देखो हर थोड़े थोड़े दिन में कम होते जा रहे हैं, फिर उसको 100-200 से बढ़ा दिया जाता है। इस तरीके का खेल ये मोदी सरकार केंद्र में रह के और ये महाराष्ट्र में शिंदे सरकार रह के हमारे कपास उत्पादक किसानों के साथ कर रही है। इसके आक्रोश में, इसके निषेध में हमने हमारे किसान को 14,000 रुपये भाव मिलना चाहिए करके आज यहाँ पे नागपुर जिले से ग्रामीण भाग से हमारे कोई किसान भाई आए, उनके लड़के आए और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के सभी लोगों ने हमने यहाँ पे मांग किया कि 14,000 रुपये दो। और ऐसा नहीं कि हमने नहीं दिए थे, हमारे समय में भी वो 14,000 रुपये तक के भाव पहुँचा था, और आज अगर 14,000 रुपये तक के भाव हमारे किसान को इस कपास का नहीं मिलेगा तो आज हमारा किसान बहुत तकलीफ में है। और आप ग्रामीण भाग में जाओ, इधर में जाओ, आप मराठवाड़ा में जाओ, आप घर घर में किसान के जाओ, उनके यहाँ पे कपास की गंजिया, किसान के वहाँ पे कपास वहाँ पे उनके घर के तुमको रूम में देखेगा, क्योंकि किसान बेच नहीं रहे। यहाँ पे CCI बीच में शुरू करती है, बीच में बंद कर दिया। आज हमारी मांग है कि यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार ने कापूस खरीदी, यहाँ पे सरकार भाव में हमें बहुत अच्छा दे के लेना चाहिए। इस दौरान सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।